पिछले 5 महीने में देश में जो कुछ घटित हुआ है, भारत जोड़ो यात्रा और उस यात्रा से उपजी हुई जो सरकार के खिलाफ एक त्वरित लोगों में एक सिंपैथी है कांग्रेस के प्रति, उसने सरकार को दरअसल डरा दिया है। और फिर उनकी राह का जो सबसे बड़ा रोड़ा है देश में लोकतंत्र स्थापित रहे, वो रोड़ा राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी के खिलाफ सरकार का गुस्सा, सरकार की नफरत सातवें आसमान पर है, वो पिछले 2 सत्र से हम लोग सदन में देख रहे हैं। देखिए, तानाशाहों की एक प्रवृत्ति होती है, जब वो सिस्टम को अपने कब्जे में ले लेते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब कोई भी उनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी ने इस सोच को झुठला दिया और वो एक दिन ऐसे ही उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अब मैं भारत को जोड़ने के लिए पूरे देश में निकल रहा हूँ। दरअसल राहुल गांधी जानते हैं कि जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। राहुल गांधी ने इसलिए देश भर में निकलने का एक ऐलान किया और भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी हमारे लिए भी बहुत अप्रत्याशित थी। जिस तरह से कन्याकुमारी से काफिला आगे बढ़ा, फिर केरल होते हुए आंध्र प्रदेश, बीच में कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यात्रा अपने आप में हर दिन एक नए आयाम छू रही थी। उससे ये सिस्टम पूरी तरह डर गया। उन्हें लगा कि नहीं, हम लोकतंत्र को कुचलने के जितने तंत्र हम कर चुके हैं उसको तो एक झटके में इस व्यक्ति ने तोड़ दिया। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के प्रति उनका गुस्सा और बढ़ा और इसलिए तमाम सामदाम दंड भेद का इस्तेमाल राहुल जी के खिलाफ सदन से लेकर के सड़क तक किया जाने लगा। देखिए, किसी का एक शेर है कि फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके रुका था वहीं दीवार गिरी, लोग किश्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। मेरा अपना मानना है कि लोकतंत्र जो सबसे बड़ी आजादी आपको देता है वो देता है बोलने की, कि आप बोल सकें, आप सवाल उठा सकें। लेकिन तानाशाही चाहती है कि आप मुर्दा हो जाएं, आप चुप हो जाएं, आप खामोश हो जाएं। इसीलिए लोकतंत्र में जो उन्होंने सबसे पहला हथियार इस्तेमाल किया वो ये किया कि लोगों की आवाज को खामोश कर दिया। लेकिन राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी समेत इस मिशन के खिलाफ खड़ी है। वो लगातार बोल रही है, वो सवाल खड़े कर रही, वो पूछ रही है कि बताइए भ्रष्टाचार क्यों हुआ। उन्होंने सवाल पूछा कि नोटबंदी क्यों की गई, उन्होंने सवाल पूछा कि GST गलत तरीके से क्यों लागू की गई, उन्होंने सवाल पूछा कि कोरोना के दौरान मैनेजमेंट गलत क्यों रहा, उन्होंने सवाल पूछा राफेल के की लूट का, उन्होंने सवाल पूछा अडानी के मुद्दे पर 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, शेल कंपनियां क्यों बनी, काला धन जो वापस लाने वाले थे उसका क्या हो रहा है। ये जो सवाल हैं वो ये दर्शाते हैं कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को बचाने के जितने तरीके, जितने शालीन तरीके, जितने अहिंसात्मक तरीके अपना सकती है वो अपना रही है। इस वजह से भी मुझे लगता है कि सरकार कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से टारगेट कर रही है। मौजूदा प्रधानमंत्री जी के कई सारे मित्र हैं जो बड़े उद्योगपति हैं, छोटे थे तो उनको बड़ा बनाते बनाते प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा बना दिया। उस कड़ी में नीरव मोदी जी, ललित मोदी जी, मैं सबके जी इसलिए नाम के सामने लगा रहा हूँ क्योंकि आजकल बड़ी जल्दी इन लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। मेहुल चौकसी जी, जिनको इन दिनों अलग तरीके से नवाजा गया, प्लस अडानी जी। अडानी जी का रिश्ता और मोदी जी का रिश्ता तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि याराना, वो जय और वीरू वाली जोड़ी जो है वो जोड़ी है, क्योंकि उनके प्लेन में प्रधानमंत्री जी दिखते हैं। और बाद में ऐसा सुनने में आया, जिसके लिए सवाल भी राहुल जी ने खड़ा किया, कि प्रधानमंत्री जी के प्लेन में वो विदेश जाने लगे। तो इससे ये दर्शाता है कि तमाम छोटे उद्योगपति, बड़े उद्योगपति, सबको किनारे लगा करके नरेंद्र मोदी जी ने अनैतिक तरीके से गौतम अडानी को फायदा पहुंचाया और एक बारगी उन्हें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके, तमाम सारे नियम तोड़ करके उन्हें बड़ा बनाया गया। मुझे लगता है कि वो सरकार द्वारा पोषित एक ऐसे उद्योगपति हैं जिनकी पूरी न्यूज जो है वो झूठ की बुनियाद पर टिकी है। मेरा मानना है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद जैसा देश को दिख रहे हैं, दरअसल राहुल गांधी ऐसे ही थे, पहले भी ऐसे ही थे, लेकिन ऐसा दिखते नहीं थे क्योंकि एक उन्होंने खुद को बहुत दिखाना नहीं चाहा, उन्हें प्रदर्शन करना शायद नहीं आता, मेरा अपना मानना, ये वो दिखाना नहीं चाहते। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब वो निकले तो देश ने उनका एक असली रूप देखा, सड़क पर देखा। जब उन्होंने अपनी माँ के झुक करके पैर में जूते के फीते बांधे तो देश ने देखा कि ये राहुल गांधी है जिसको नरेंद्र मोदी शहजादा बोलते थे, ये तो माँ के पैर के फीते वैसे ही बांधता जैसे इस देश का हर बेटा बांधना चाहता है। कहां प्रधानमंत्री जी कैमरे लेकर के मां से मिलने जाते थे और कहां राहुल गांधी मां को शॉल उड़ा रहे हैं तो उन्हें ख्याल भी नहीं है कि कैमरे की तरफ देखना है। ये दरअसल असली राहुल गांधी हैं। जो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को शहजादा कहती थी कि नहीं ये तो बहुत बड़ा आदमी है, उस राहुल गांधी ने 4,000 किलोमीटर सड़कों की धूल फांकी, देश को जाना, समझा,
दरअसल राहुल गांधी यही थे, क्योंकि राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं तो भारत जोड़ो यात्रा आज से 10-15 साल पहले करना चाहता था। तो मेरा मानना है कि राहुल गांधी वही थे, राहुल गांधी बदले नहीं है, राहुल गांधी पहले दिन से आज तक ऐसे हैं और आने वाली सदियों में भी राहुल गांधी का व्यक्तित्व वो जब तक रहेंगे तब तक ऐसा ही रहेगा। बस हम उन्हें जितना करीब से जान पाएं उनके लिए दिल में सम्मान और प्यार और बढ़ता जाएगा।